इंसान अपने दिन की शुरुआत जैसे करता है उसी तरह ही दिन एंड होता है, और अगर आप अपने दिन की शुरुआत अपने वेइंग स्केल पे चढ़ के शुरू कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आपका वेइंग स्केल आपका स्ट्रेस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और वेइंग स्केल को यूज़ करना बिल्कुल बेकार है, उसकी वजह यह है कि नंबर वन, आपका वेट आपकी तीन चीज़ों का मजमू है। इन अदर वर्ड्स, योर वेट कंटेन्स थ्री इंफॉर्मेशन, लीन मसल, बॉडी वाटर एंड फैट। आपका गोल सिर्फ फैट लूज़ करना है, मसल लूज़ करना नहीं है। तो जब आप वेट लूज़ करते हैं तो आप अपने आप को ये बता रहे होते हैं कि मैं मसल भी लूज़ कर लूँ, फैट भी लूज़ कर लूँ, वाटर भी लूज़ कर लूँ, सब कुछ लूज़ कर लूँ। और अगर आप ये अगर आपका नज़रिया है तो इसका मतलब है मसल लूज़ करने पर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होएगा, जिसकी मतलब है आप दोबारा वेट गेन करेंगे। इसलिए जो लोग वेट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं वो चूँकि वेट उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको ये नहीं पता कि वो उस कश्मकश में, उस कोशिश में अपना मसल उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे वेट रीगेन यकीनी हो जाता है। दूसरी दलील वेइंग स्केल ना यूज़ करने की ये है कि जब आप वेइंग स्केल पे लूज़ करते हैं, लेट्स से आपने 10 पाउंड लूज़ किया है, क्या गारंटी है कि आपने लूज़ वहीं से किया है जहाँ से आप लूज़ करना चाहते थे? क्योंकि अमूमन हम लूज़ वहाँ से करते हैं जहाँ से हम सबसे पहले लूज़ वहाँ से करते हैं जहाँ से हम लूज़ नहीं करना चाहते थे। तो ये बात गलत है कहना कि जी मैंने 10 पाउंड का अपना टारगेट बनाया हुआ है। आपका 10 पाउंड का टारगेट नहीं है, आपका 10 पाउंड का टारगेट ये कि आप अपने बॉडी को शेप में लेके आएँ। तीसरी दलील मेरी ये है कि जब इंसान एक दूसरे को देखता है तो देख के कहता है कि तुम मोटे या लग रहे हो या पतले लग रहे हो। इंसान अपने आप को शीशे में देख के, अपने कपड़ों से देख के ये अंदाज़ा लगाता है कि मैं मोटा लग रहा हूँ या पतला लग रहा हूँ। उसकी कन्फर्मेशन आपको वेइंग स्केल से क्यों चाहिए? मिसाल के तौर पर आपने दो ड्रेस साइज़ लूज़ कर ली हैं और आपको लोग भी बता रहे हैं कि आपने वेट लूज़ कर लिया है और आपके कपड़े भी आपको बता रहे हैं, आप खुद भी लग रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ वेइंग स्केल पर नज़र नहीं आ रही तो आपने जितनी मर्ज़ी भी आपकी बॉडी शेप इम्प्रूव हुई है, जितना मर्ज़ी आप अपने आप को अच्छा देख रहे हैं या लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने फिर भी वेइंग स्केल पर जाना है। तो वेइंग स्केल को अब इस वक्त जाके कूड़े के डिब्बे में फेंकें। और नंबर टू, ये स्ट्रेस है, नेरा स्ट्रेस है। तो मैं मजाक में अपने क्लाइंट्स को कहता होता हूँ वेइंग स्केल जो है ना वो अपनी सांस को गिफ्ट कर दीजिए। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।